शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हेलो सीता, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। करिए, मैं माजी को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुमसे ही बात करनी है। मुझसे? हाँ सीता, आज शाम को यूथ क्लब में हमारे दोस्तों ने हमारी शादी की खुशी में एक शानदार पार्टी रखी है। जिसे आपने पत्नी का अधिकार नहीं दिया, अगर वो पार्टी में आ जाए तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी? सीता, तुमने तो कहा था पिछली बातें भूलकर हमें नई जिंदगी शुरू करना चाहिए। मैं नहीं आ सकती। अगर तुम नहीं आओगी डार्लिंग, तो हमारी वहाँ बेइज्जती हो जाएगी। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? तो मैं ये समझू कि तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ सीता, हाँ। तुम्हें मेरी कसम सीता, तुम आओगी ना? प्लीज डार्लिंग, प्लीज। हमारी बेइज्जती का बदला सीता से पार्टी में जम कर लेंगे। ए भाभी 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 भाभी, एक मिनट। अरे बाबा बाबा बाबा, क्या बात है, अचानक बड़ी खुश लग रही हो। अमर, वो आज क्या हुआ? आज हमारी शादी की खुशी में एक पार्टी है, तुम्हारे भैया ने मुझे बुलाया है। हाय, शादी की खुशी में पार्टी और भैया ने तुम्हें बुलाया है? हाँ हाँ, अभी अभी उन्हीं का फोन था, सब कुछ ठीक हो गया। अमर, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। भाभी, मुझे ऐसे लगने लगा था कि नहीं है, मगर है। क्या? भगवान, उसने तुम्हारी सुन ली। क्या बात है, दैट मींस नो फिकर फॉर एवर, विश ऑल द बेस्ट। क्या है तुम्हारी चांदी भैया? भाभी, इस घर में पहली बार तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आज उन्होंने मुझे पार्टी में बुलाया है। लो, आज उन्होंने मुझे पार्टी में बुलाया है। बेशरम कहीं की, घर में अचार के मसाले आ पड़े हैं, उन्हें कूट पीस कर तैयार करने के बजाय शोभा इसे पार्टी याद आ रही है। देखो ना मामा। नहीं तो क्या, जा स्टोर में मसाले की 4 बोरियां पड़ी है, उसे कूट पीस कर आज ही तैयार करना है, समझी? मैं कुछ सुना नहीं चाहती, चल शोभा। चलो मामा। माजी, आज उन्होंने मुझे पहली बार। मैं कुछ सुना नहीं चाहती, तू अगर काम नहीं करेगी तो मसाले कौन पीसेगा? तेरा वो कल हुआ दादा आसमान से उतर कर तेरा बाप आएगा। मैंने आज तक किसी काम से इनकार नहीं किया, फिर मेरे बाप दादा को क्यों बीच में लाती हो? क्या, 2 कौड़ी की लड़की? देख, हम लोग बाहर से आएंगे तब तक मसाले पीस कर तैयार हो जाने चाहिए, नहीं तो मैं तुझे पीस डालूंगी, समझी? बड़ी पार्टी में जाएगी। नहीं तो क्या, चल सोगा। चलो मम्मी। अरे क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले गया तो तुम्हारे चेहरे से चांदनी बरस रही थी, ये अचानक काले बादल क्यों घिरा है? अमर, लगता है मैं पार्टी में नहीं जा सकूंगी। क्यों? माँ जी मसाले की 4 बोरियां छोड़ गई हैं, आज ही कुटने के लिए। तो ये नाटक है। अरे डोंट वरी, फिगर नॉट भाभी, आखिर तुम्हारा ये लक्ष्मण जैसा देवर कम सेवक 2-in-1 किस दिन काम आएगा, तुम पार्टी जरूर जाओगी। लेकिन कैसे? ऐसे थोड़ी बताऊंगा, पहले आसो, 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 आसो। ये हुई ना बात, नाउ डोंट वरी फिगर नॉट, मैं यू गया और यू आया। पिता, माँ जी, आप तो मेरी माँ समान है, अगर आप भी मुझे गलत समझेंगी तो इस घर में मुझे कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? तू ठीक कहते बेटी, भूल जाओ उन बातों को, तेरे ससुर तेरे पिता समान थे ना, है ना? तो फिर चल, आज शाम को फूल देवी के मंदिर में जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, कुलदेवी का मंदिर कहाँ है? कुलदेवी का मंदिर मैं बताता हूँ। चलो आओ, तुम्हें भगवान के दर्शन करा। चलो छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
ना कोई गिरी हुई हरकत जरूर करेंगे। इसलिए घर छोड़ने के बावजूद मैं साय की तरह तुम्हारे पीछे। अपने अच्छाइयों का अंजाम, अपनी चिता को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख लिया ना। इन आज की लपटों में जल रहा है एक बहू का त्याग, उसकी सेवा, उसकी तपस्या। भाभी अब भी वक्त जाग जाओ और अपने इन आंसुओं को दहकते हुए अंगारों में बदल दो। अगर हम लोगों ने इन्हें माफ कर दिया और ये जालिम इसी तरह कहके लगाते रहे तो इस देश में कहीं ना कहीं कोई सीता, कोई सावित्री इसी तरह चलती रहेगी। हमें इन लोगों को सबक सिखाना होगा, वरना ये नारी जाति, ये समाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। तुम ठीक कहते हो अमर, ठीक कहते हो। आज तक मैं हर जुल्म चुपचाप सहती रही, लेकिन अब मैं सीता से दुर्गा बनूंगी, एक एक से गिन गिन कर बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। कोई चिकन चिकन वाली जोड़ी भी क्या करता है अपना भोपू बजाना भो भो क्या भोपू जिससे की आंख में देख रहे साला रुस्तम का रास्ता रोकने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की है। ये सड़क है या जंग का मैदान? एक उल्टे हाथ से पड़ जाएगी नहीं तो बच्चे से बाहर निकल आएगी। गलती हो गई बाबा जी, एक तो गलती करते हैं ऊपर से आवाज करता है माफी मांग। माफी नहीं मांगूंगा तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? अरे दिखता नहीं है हमारा पांच शेर हमारे साथ में है और अक्का मोहल्ला इनको पांच पांडव बोलता है और मैं पांच पांडवों का बाप हूँ, समझ लो मैं क्या होएगा। वो तो मरियल टट्टू था जो भाग गया, अभी तुम्हारा पाला रिस्टन से पड़ा है। सड़क पर गुंडागिरी करके छोकरे के साथ टाइला कटा है। अरे अक्का भिंडी बाजार, चीरा बाजार, दाना बाजार, लुंगी बाजार, लल बाजार, यहाँ तक के चोर बाजार का गुंडा लोग हमारे नाम से कांपता है थर-थर। ये हमारे दिलनवाज को देखो, इसके पीछे मोहल्ले के सारे गुंडे लोग पड़ गए थे। जब डालेंगे अच्छा ने हमने एक एक को मार के कैसा भगाया था। चुप रहो, ने बहुत बोलिया करे। तुमने क्या क्यों ऐसे पहलवान से पिटना चाहते हो? बाबा जी इनकी गलती माफ कर दो। माफ कर दो? साला ऐसे गुंडे लोगों को तो कभी माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है दिए कि तुम बोलती हो ना तो हमारा थोड़ा मजबूरी है, माफ कर दिया। लेकिन दिए हमारा बात तो सुना, गैरी में आओ। मार रहा संभाल लो। ये सब बच्चा पांच पांच बच्चों का बाप हो गया फिर भी छोकरी का पीठ पे हाथ दिलाना नहीं छोड़ा, शर्म नहीं आता? चल अरे चुप चल, इस गुंडे को समझाना नहीं तो इसका हाथ मोड़ के, दांत तोड़ के, सर फोड़ के म्युनिसिपालिटी के कचरे के डब्बे के अंदर डाल देगा, समझा करे। तुम क्या समझते है? अरे तुम काय को आ रहे हैं, तुम जाओ ना, हमारा काम करते तुम हमारा काम करो। अरे चुप, अरे देखते हैं तो देखो, हमको कोई वांडा नहीं है। अरे क्या बच्चा लोग है, कभी आँख दिखाता है, कभी ताली बजाता है। चल ऊपर बैठ, एक्सीडेंट डब्बा भोपू हाथ में। Yes, yes. It is about to start any moment. क्यों भाई साहब, आठ बज गए, आप नीलामी की शुरुआत क्यों नहीं करते? आई एम सॉरी मैडम, जब तक कलकत्ता की मशहूर करोड़पति मिस कामनी देवी यहाँ नहीं आ जाती हम ये नीलामी शुरू नहीं कर सकते। मेरी जवानी के झटके, करोड़पति हो या अरबपति, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हम इंतजार नहीं करते। चुप हो I wish you all a very happy Christmas and a very happy New Year. मैं शुरुआत करता हूँ। Ladies and gentlemen, यही है वो हीरो का चमकता हुआ नायाब हार। हाँ तो सजनों अपनी अपनी बोलियां बोलिए, बैठ लगाइए, बोलिए बोलिए। नगद राम जी आप प्लीज आई आई। क्या ये हमारी मैडम कामनी देवी की आए बिना ऑक्शन स्टार्ट करने की तारी हिम्मत कैसे हुई खड़े खड़े? ओ जी बात ऐसी है। बात क्या है? ओ जी बात ऐसी। ओ शट अप। हमारी मैडम वक्त के साथ नहीं चलती, वक्त हमारी मैडम के साथ चलता है। जी ओ जी क्या मुंडी घुमाओ, वो देखो हमारी मैडम आ रही है। नगद राम जी। हाँ जी क्या बात है? ओ
मैडम जी, आपकी मौजूदगी के बगैर इन लोगों ने ऑक्शन स्टार्ट करने की हिमाकत कर दी है। ओह, इनसे पूछो ये सारे जेवरात की कीमत क्या है। अपनी औकात भगाए। अजी, इन सब जेवरातों की कीमत सिर्फ 25 लाख है। हम 30 लाख देंगे। बताओ। मेरे 35 लाख। 40। 45 लाख। 50 लाख। अब बोलो। 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख। 1। 50 लाख। 1। बेटी, 50 लाख। नहीं, पैसे होंगे इसके पास। 50 लाख। 2। 50 लाख। 3। नगद राम जी, पे इन कैश, और ये सारे ज्वेलरी कलकत्ता हाउस पहुंचा दो। जाओ जी, मैडम जी हो जाए। वेलकम। आइए जी अक्षर साहब जी, आइए। हेलो। हेलो, एक्सक्यूज मी मिस कमी देवी, मैं एक्सक्यूज मी मिस्टर बटरफ्लाई, वो हमारी मैडम बगैर अपॉइंटमेंट किसी से बात नहीं करती भाया, समझ में आया? जाओ, आओ जी मैडम जी। ये कामिनी देवी का चेहरा सीता जैसे नहीं लगता। अरे ओ बहना, कहाँ जले हुए मुर्दों को झटके देकर जिंदा कर रही हो। लेकिन ओ मामी, कहाँ वो पुड़ेल और कहाँ ये राजकुमार? लाला क्या थी वो तो? ए मिस्टर, ये बिजली है या बला, कुछ बता सकते हो? हजूर, ये करोड़पति सेठ करोड़ी मल की इकलौती कुंवारी कन्या है, बिजनेस टूर के लिए आती है, इनकी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। यार राकेश, हुस्न और दौलत का संगम पहली बार देखा है। तेरी जवानी के झटके, इधर आ। हुस्न को भूल जा, इसकी दौलत के बारे में सोच, अगर ये पट गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे, समझ गया ना मेरे रोमियो? मेहरबानी करके आप नोटिस वापस ले लीजिए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग तबाह हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तू जाए आगे यार, दिमाग चाट रहा है, नौकरों को बुलाऊं? यू चीट, धोखे बाज, हमें बर्बाद करके अब नाटक करने चला है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देवी जैसी पत्नी को ठुकराया, देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को तूने बदनाम किया। प्रकाश, नारी की कोख से जन्म लेने वाला जब नारी कोई बेइज्जत करता है तो उससे सजा देना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं चाहता तो इस रिवॉल्वर की एक एक गोली तुम्हारे सीने में उतार देता, मगर इस रिवॉल्वर और तुम्हारे बीच किसी के अरमान दीवार बनकर खड़े हैं। जब तक तुम दर बदर की ठोकरें नहीं खाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि घर क्या होता है और पत्नी क्या होती है, भाई क्या होता है और तबाही क्या होती है। बहादुर राम सिंह, उठाकर बाहर फेंक देते। अमर, अमर, ये बात ठीक नहीं है, अमर ये ठीक नहीं है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। तुमने बोला फुटपाथ पर आ जाएंगे। फुटपाथ पर आकर ही इंसान को अपनी औकात का पता लगता है। भूल गई तुम कितना अत्याचार किया था इन लोगों ने तुम पर? लेकिन अमर, मुझे जाना ही होगा। भाभी, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज भाभी, ये मेरी आखिरी चाल, मुझे चलने दो। मुझे पूरा विश्वास है इसके बाद ये लोग सही रास्ते पर आ जाएंगे। तूने अपनी देवी जैसी पत्नी को ठुकराया, देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को तूने बदनाम किया। प्रकाश, नारी की कोख से जन्म लेने वाला जब नारी कोई बेइज्जत करता है तो उससे सजा देना बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक तुम दर बदर की ठोकरें नहीं खाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि घर क्या होता है और पत्नी क्या होती है, भाई क्या होता है और तबाही क्या होती है। कौन सीता भाभी? हाँ, मैं सुधीर बोल रहा हूँ, प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया। क्या? उनका एक्सीडेंट हो गया? हाँ, उन्होंने गहरी मार लगी है और बहुत सीरियस है। वो है कहाँ? नेशनल हॉस्पिटल में। मैं अभी आती हूँ। प्रकाश का एक्सीडेंट? भाभी, तुम अब तक इन पर एतबार करती हो? अरे सब नाटकी लोग हैं, ये सब इनकी चाल। लगता है दूसरों के दिल का मैल साफ करते करते तुम्हारा दिल मैला हो गया है। ये फोन सुधीर भैया का था। Thank you.
सारी दौलत ले लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे सुहाग को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। जो भी हमारे बस में है हम जरूर करेंगे, आगे भगवान की मर्जी। बॉय चल। I'm sorry, भाभी, माफ कर दो मुझे। नहीं अमर, तुम बुरा मत मानो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कहाँ जा रही भाभी? अगर सावित्री अपने पति के प्राण यमराज के हाथों से छीन कर ला सकती है तो मैं क्यों नहीं। आज मैं भी देखूंगी किस तरह मेरे तपस्या के दीप बुझाकर वो मेरे पति को मुझसे छीन कर ले जाएंगे।